शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर गई है। वहां उन्हें 13 जुलाई से 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है, लेकिन अर्जुन रणातुंगा ने इस पर एतराज जताया था, जिसके बाद अब दानिश कनेरिया ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा कि श्रीलंका के वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर अर्जुन रणातुंगा का यह कहना गलत है कि भारत ने लिमिटेड ओवर्स की सीरीज के लिए अपनी दूसरे दर्जे की टीम भेजकर श्रीलंका का अपमान किया है। कनेरिया के मुताबिक इस तरह के बयान देकर रणातुंगा सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले कप्तान अर्जुन रणातुंगा ने इस जून 2021 की शुरुआत में कहा था कि श्रीलंका में आई भारतीय टीम बेस्ट नहीं है, ये दूसरे स्तर की टीम है। क्या हमारे खेल मंत्री या क्रिकेट प्रशासकों को ये नहीं पता था? अर्जुन रणातुंगा ने श्रीलंकाई मीडिया से कहा था कि श्रीलंका क्रिकेट भले ही नीचे चला गया हो, लेकिन एक क्रिकेट नेशन के तौर पर हमारी एक पहचान है, हमारी गरिमा है। हमें भारतीय बी टीम को खेलने के लिए अपना बेस्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन दानिश कनेरिया ने रणातुंगा को जबरदस्त जवाब दिया। 61 टेस्ट खेलकर 261 विकेट लेने वाले कनेरिया ने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट गिरावट पर है। जिस तरह से इंग्लैंड में उनकी सीरीज चली गई है, उससे पता चलता है कि उनका क्रिकेट कैसे नीचे जा रहा है। वो क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। SLC को आभारी होना चाहिए कि वित्तीय संकट से उबरने के लिए भारत उनकी मदद करने के लिए एक टीम भेज रहा है। मुझे यकीन है कि भारत सीरीज में उन्हें हरा देगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगलने वाले रणातुंगा को पाकिस्तान के इस क्रिकेटर ने जमकर लताड़ लगा दी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।